नमस्कार। आज हमारे साथ हैं छपरौली के पूर्व विधायक चौधरी नरेंद्र पाल सिंह जी, एडवोकेट। आप 5 बार छपरौली से विधायक रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेहद करीबी रहे हैं। लगातार चौधरी साहब ने आपके ऊपर भरोसा जताया है और आप 5 बार छपरौली से विधायक चुने गए, वो छपरौली जिसकी मिसाल दी जाती है सियासत में। और कहा जाता है अगर कोई नेता देश में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर लगातार जीतता है तो कहा जाता है कि ये उसकी छपरौली बन गई है, क्योंकि उस सीट को आज तक कभी भी चौधरी चरण सिंह और उनके बाद उनकी विरासत संभालने वाले चौधरी अजीत सिंह जी की पार्टी कभी हारी नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण सीट से आप 5 बार विधायक रहे हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार भाई, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। जैसे ओल्ड मैन को अच्छा होना चाहिए, उस लिहाज से बहुत अच्छा हूँ सर। 29 मई को सर चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है जी। जी, तो जब हम बड़े नेताओं की, महान नेताओं की बात करते हैं तो इस नजरिए से करते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो उनके विचारों से, वो उनके आदर्शों से कुछ सीखे। खाली इतनी बात नहीं होनी चाहिए कि उनकी प्रतिमाओं पर हम कुछ फूल मालाएं चढ़ा दें। उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की बेहतरी के लिए जो उन्होंने काम किए, जो विचार दिए, उनको लेकर आगे चला जाए। तो चूंकि आप उनके साथ लंबे समय तक रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि चौधरी साहब की शख्सियत कैसी थी और वो किस तरह की सियासत करते थे। आज मैं बहुत आभारी हूँ राणा आपका के चर्च साहब की पुण्यतिथि पर आपने मुझे कुछ कहने के लिए याद किया। बहुत लंबा अरसा बीत गया, चौधरी साहब को गए भी आज 33 वर्ष बीत गए जी। पता नहीं चलता समय का, बड़ा लंबा समय बीत गया। और एक बात बड़ी कुछ भावुकतापूर्ण भी है, 1985 की बात है, मेरी बेटी की शादी थी जी 24 नवंबर की। तो डॉक्टर प्रज्ञान मेरा बेटा मेरे साथ था, हम दोनों चौधरी साहब को निमंत्रण पत्र देने गए दिल्ली जी। वो पार्टी के अध्यक्ष थे और विंडसर प्लेस में, उन दोनों 15 विंडसर प्लेस में, वहाँ हमारे पार्टी का ऑफिस हुआ करता था। तो जब उनको निमंत्रण पत्र हम लोगों ने दिया तो उस रोज वो कहने लगे, भाई मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ये मेरा ख्याल है 18 या 19 नवंबर की बात होगी, 24 नवंबर की शादी थी जब हम कार्ड लेकर के गए थे जी। उसके बाद उन्होंने दो आपने आशीर्वाद पत्र भेजे, एक विंडसर प्लेस के टाइप का, वो अलग, उसकी भाषा अलग थी, दूसरा भारत तुगलक रोड से भेजा जी। वो उसकी, उससे भी मुझे लगा कि शायद भूल गए, पहला भी एक भेज दिया दूसरा भी आया। लेकिन 25 तारीख को ये उनको मानसिक आघात हुआ और देखिए दुर्भाग्य की बात है कि उसके बाद फिर बोल नहीं पाए। हम लोग बीच बीच में जाते रहे जी। वो डॉक्टर लोहिया हॉस्पिटल में थे तो उसके बाद वो होश में आए ही नहीं। और ये संयोग की बात कहिएगा, जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, ये 29 मई 1987 को जी। उस रोज भी परचांस में दिल्ली में इस प्रज्ञान के पास में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गया था, इसने ही मुझे सूचना दी कि चौधरी साहब चले गए। और पहले ही दिन में उनको देख के आया था, अब तो बेहोशी की हालत में थे ही। तो इसने मुझे कहा कि ठहर जाओ मेरे पास, ये बड़ा छोटा इसका कमरा था, मैं रात को ठहरा और फिर उनके अंतिम क्रिमेशन तक भी वहीं रहा। क्या लोगों की अथाह भीड़ थी और कितना शोक था, वो वातावरण भी अब रोंगटे खड़े होते हैं कि उस आदमी की, उसकी शख्सियत में कितनी कशिश थी, लोगों का कितना आकर्षण उनके प्रति था, वो सचमुच में वो दुर्लभ है। तब क्या हुआ था जब एक बार लगा कि उनके अंतिम संस्कार के वक्त मानो किसानों ने दिल्ली को घेर लिया है, आखिर क्या हुआ था उस वक्त किसान घाट को लेकर के कुछ बातें? बहुत आवेश थे, मुझे याद है कि हजारों लोगों की भीड़ लेकर के
चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक पास के बराबर के पार्क में बैठे थे। जी तो हम जब आए तो सीधे वहां के लोगों ने, मैंने पूछा भाई कौन लोग, बोला टिकैत बैठे। तो मैंने प्रज्ञान से कहा चलो 5 मिनट पहले यहाँ खड़े होके चलते कोठी में, फिर उधर से तो आया नहीं जाएगा। मैं तो मैंने देखा, जी जी हाँ मैंने देखा कि इस कदर जोश था लोगों में, चूंकि जो लोग चाहते थे कि वो गांधी घाट के पास में उनको जमीन दी जाए, जी और उसको उस वक्त में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संभव मान्य कर दिया था। जी तो लोगों में इतना आवेश था, बल्कि बड़ी मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, महेंद्र सिंह टिकैत कह रहे थे कि भाई अगर ऐसी बात है तो हम गांधी बाबा की समाधि भी जमुना जी में टेक देंगे, चौधरी साहब की समाधि तो वहीं बनेगी। जी खैर मुझे ये भी याद है, मेरे मित्र थे अभी कुछ महीने पहले चले गए, मालवीय जी, सत्य प्रकाश मालवीय है, मेरे साथ में किसान ट्रस्ट के भी मेंबर रहे वो, तो वो राजीव गांधी जी से मिले और उन्होंने कन्विंस कर लिया बड़ी खुशी से। आपको पता ही है जहाँ किसान घाट बना, बिल्कुल महात्मा गांधी की समाधि के एकदम पीछे की तरफ, वो बहुत सुंदर जगह वहां पर बनी और देखने लायक दृश्य था। अनेक लोग कनस्तर भर भर के घरों से घी लेकर के आ रहे थे, बहुत से लोग, सैकड़ों लोगों को मैंने रोते हुए देखा। वो रविंदर शब्दों पे आपके सामने मैं कैसे व्यक्त करूं, लेकिन सचमुच में वो ऐसी घड़ियां कभी कभी देखने को मिलती है, ऐसी पुण्य आत्मा थी। जी तो आपने लंबा सवाल एक पूछा था, देखिए वास्तव में बात तो यह है कि चौधरी साहब जिस क्षेत्र से विधायक रहे 1937 में, उस वक्त ये छपरौली क्षेत्र नहीं था, उस वक्त ये मेरठ दक्षिण मेरठ के नाम से कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसमें गाजियाबाद बागपत दोनों तहसीलें थी। मेरा गांव किठल उसका एक सेगमेंट गांव था, वो भी उसमें गांव था जी। लेकिन 1937 का चुनाव मुझे याद नहीं, मेरा जन्म तो कागजों में तो 1933 है, लेकिन 1932 वो लोग कम लिखा देते, 1932 है जी। तो मुझे इसलिए याद पड़ता है कि 1940 की तो घटनाएं बहुत कम याद है, लेकिन 42 का आंदोलन जो गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट चला, और जगह जगह हमारे यहाँ भी छोटी एसएस लाइट रेलवे पर कई स्टेशन को फूंक दिया किसानों ने। सर एक अनुरोध करूंगा आपसे, सर आपसे एक अनुरोध करूंगा कि कैमरे के फ्रेम, हाँ ये अब ठीक है सर, सॉरी सर फ्रेम से आउट हो जाते हैं सर बीच में थोड़ा, सर ठीक है भैया मुझे आदत नहीं है, क्या बताऊं, कोई बात नहीं सर। तो वो समय उस वक्त मुझे याद है रविंदर, मेरे गांव से और मेरे गांव के आसपास रमाला से इतने आदमी जेल में गए 1942 की जेल में, चौधरी साहब की प्रेरणा के कारण। मेरा गांव किरठल से करीब लगभग 15-20 लोग गए, और ऐसे लोग बेचारे जो बिल्कुल शिक्षा उनकी बिल्कुल जीरो थी, लेकिन चौधरी साहब के प्रति इतना प्रेम। उस वक्त के जानते हो आप क्या नारे थे, आप तो पैदा भी नहीं थे, आपको नहीं पता, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का नारा था, और महात्मा गांधी की जय। तो उस वक्त चौधरी साहब इतने पॉपुलर हो गए थे, चूंकि 1940 में वो तुगाना गांव है मेरे गांव से मिला हुआ, वो हमारे भाई, हमारे गोती भाई भी कहे जाते हैं, वैसे तो सभी भाई हैं जी। तो तुगाना की वो चौपाल, ऐतिहासिक चौपाल आज भी है वहां, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया था। लेकिन उनकी प्रेरणा से इन सारे गांव में से, सूप में से, बूढ़पुर में से, बावली में से, चौधरी साहब छुपे हुए इन गांव में बीच में काम करते थे, जाते थे। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ये तो 1942, 1937 और 1942 के बीच की बात है जी। तो उस समय से मैंने 42 तक भी चौधरी साहब को नहीं देखा था, लेकिन इस बीच में वो बराबर आते थे, और मेरा गांव किरठल उस क्षेत्र के सबसे बड़े गांवों में से है, वहां उनकी एक मीटिंग जरूर होती थी जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसी मीटिंग होती थी वो। चौधरी साहब तख्त पर तख्त बिछता था, बैठते थे, उनके साथ में प्रायः विष्णु शरण दुबलिस जी, जिनसे उनका बेहद प्रेम था, बल्कि मैं ये कहूंगा कुछ जमाने में अगर कोई मेरठ जनपद में उनके सबसे निकट कोई व्यक्ति था तो विष्णु शरण दुबलिस थे जी। कभी कभी पृथ्वीनाथ सेठ उनके साथ जाते थे, कभी कभी चौधरी यादराम
बहुत प्रसिद्ध फौजदारी के वकील थे, खेकड़ा के रहने वाले। हम उनके पुत्र थे निर्भय, मेरे क्लास फेलो भी रहे, हमारे भाई थे निर्भय, वो भी बड़े प्रसिद्ध वकील यहाँ के, तो वो भी कभी कभी जाते, एक गाड़ी से जाते थे चौधरी साहब, और 3 घंटे से कम का उनका भाषण नहीं होता था। औरतें गीत गाते हुए नए कपड़े पहन के आती थी गाँव में, और हजारों की भीड़, बड़ा गांव तो मेरा गांव, आसपास की भीड़ भी बैल तांगों में लोग आते थे, और राजनीति कम, समाज के बारे में हम कैसे घर में रहे, कैसे एक दूसरे से बर्ताव करें। किसान के 4 लड़के हैं तो केवल एक लड़का खेती में रहे, छोटी खेती, 3 बाहर जाएं कुछ भी काम करें, जी तो सारे सामाजिक संगठन के बारे में और सारी नैतिकता, हमारे समाज के सिद्धांत, इतने दोहे याद थे उनको कबीर के। और आर्य महर्षि दयानंद के दृष्टांत, क्या आदमी चिपक जाते थे, बच्चे भी चिपक जाते थे। मुझे अब तक याद है, कुछ समझ में नहीं आता था, जहां उनका जहां उनकी उनकी ये सभा होती थी, वो मेरे घर से मुश्किल से 50 से 60 मीटर पर थी। तो वहां ये देखिएगा कि छोटी खेती बड़ी खेती, तो हमारा गांव कैसे उठे, गांव का उत्थान कैसे हो, आर्थिक स्थिति हमारी कैसे सुधरे, शिक्षा का कैसे, यानी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आती थी, पर उनके 2 शब्द छोटी खेती बड़ी खेती याद रहते थे। मैंने कहा चौधरी साहब आएंगे आपके, फिर वही छोटी खेती और बड़ी खेती की बात करेंगे। लेकिन लोगों का इस रे देखने लायक था। एक तो एक संस्मरण मुझे बहुत उन दिनों का ये याद पड़ता है, साल में 2 साल में एक आध बार जाते थे, लेकिन लोग एक गांव के जहां कहीं उनका कोई कार्यक्रम होता था, आसपास के लोग भी जो प्रमुख लोग होते पहुंच जाते थे सुनने के लिए। और मैं इस प्लेटफॉर्म की समय की अपनी सीमाएं हैं सर, आपने बहुत अच्छे से बताया है, मैं आपसे फिर दोबारा संपर्क करता हूँ और अच्छा एक दूसरा और स्लॉट तैयार करता हूँ चौधरी साहब के बारे में, क्योंकि चौधरी साहब के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। हाँ बहुत बिल्कुल आप सही बात, और आपके पास जितने अनुभवों का खजाना है। नहीं, मेरे पास तो बहुत है, मैं तो सुबह तक बात कर सकता हूँ उनके बारे में। जी 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 जी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे फिर संपर्क करता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।